हेलो दोस्तों, आज मैं एंथनी क्रिश्चियन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। वो है कोरोना वायरस, जो कि आज यहाँ पर इंडिया में भी बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। और कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय आए हैं, और उसमें सबसे बढ़िया उपाय वो है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग ये राह ना देखें कि हमको बीमारी होए उसके बाद हम लोग इलाज करेंगे, परंतु हम लोग उसके आने से पहले हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हाउ टू वॉश योर हैंड, हम हमारे हाथ कैसे धोए। और मैं चाहता हूँ कि मैं आज आपको यही बात सिखाऊँ। बहुत सारे लोगों ने आपको सिखाई है, पर मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपको सिखाऊँ। आज ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये बात बताई थी। उन्होंने उनकी आत्मकथा में ऐसा लिखा है कि हर एक व्यक्ति की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, दो ड्यूटी रहती है, दो ऑब्लिगेशन रहती है। एक उनकी फैमिली के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और दूसरा है उनकी लोगों के लिए, और उनके लोगों के लिए यानी उनके देश के लोगों के लिए। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के लिए तो है ही, हमारी फैमिली के लिए, पर आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश के लोगों के लिए भी है, हमारे समाज के लिए भी है। और इसी कोरोना वायरस जो समाज में फैल रहा है, देश में फैल रहा है, उसको रोकने का समय आ गया है। हम प्रयत्न करेंगे कि हम सब ये कार्य में जुट जाएंगे, ताकि हमारे समाज में, हमारे देश में कोरोना वायरस ना फैले। और इसलिए मैं आज ये बताने जा रहा हूँ कि हम लोग हमारे हाथ कैसे धोए। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक चर्च का पास्टर हूँ, उसके लिए मेरे मन में समाज के लिए जो भावना है, उसकी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी ये वीडियो देखें, सीखें, लोगों को भी बताएं, ताकि हम हमारे हाथ धो के, ताकि हमारे हाथों से जो फैलने वाली जो बीमारियां है, जो कोरोना वायरस जो हाथ से भी फैलता है, उसको हम कैसे रोक सके। तो वो जो वायरस है उसको रोकने के लिए जो स्टेप मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमको हमारा समय देना है, 20 सेकंड से ज्यादा, यानी मिनिमम 20 सेकंड तो हमें हाथ धोना ही है, पर उससे ज्यादा हम लोगों को हाथ धोना है। तो मैं जो स्टेप बता रहा हूँ, वो स्टेप ध्यान में रखिए, और उसके उसके जैसा ही आप करिए। कभी भी आप हाथ धोते हो, प्लीज 20 सेकंड से ज्यादा समय आपका निकालिए। सबसे पहले क्या करना है, नल को खोलना है और अपने हाथों को भिगोना है, और उसके बाद नल को बंद करना है। याद रखिए, नल को बंद करना है, क्योंकि हम 20 सेकंड हाथ को रब करने वाले, तब तक पानी नहीं जाना चाहिए। नल को बंद कीजिए, उसके बाद साबुन लीजिए, फिर उसको हाथ में रब करिए, थोड़े समय हाथ में रब करिए, और उसके बाद उंगलियों के अंदर रब करना चालू करिए। ये जो प्रोसेस है 20 सेकंड तक चलनी चाहिए, उंगलियों के अंदर रब करना चालू करिए। आगे हो गया है, और उसके बाद पीछे रब करिए, उंगलियों में उंगली डाल के फिर उसके बाद रब करिए। ये साइड पे दोनों हाथ में रब करना है, 20 सेकंड तक ये प्रोसेस चलनी चाहिए। और ये खत्म होने के बाद हम हमारे अंगूठे को भी धोएंगे, दोनों हाथ के अंगूठे हम लोगों को अच्छी तरह से धोने हैं। और जैसे ही हमने अंगूठे को भी धोया है, वैसे ही उंगलियों को भी धोना है। हम ऐसे उंगलियों में उंगली डाल के हम उंगलियों को भी धोएंगे। ये खत्म होने जाने के बाद ये जो पार्ट है उसको हमें अच्छी तरह से धोना है। यहां पर हमें हाथ लगाकर साबुन के साथ रब करना है, दोनों साइड पे हमारे हाथ अच्छी तरह से धुल रहे। ये खत्म हो जाने के बाद पीछे की साइड पे, ये जो साइड है, दोनों साइड पे हमें हमारे हाथ रब करने हैं। और ये खत्म हो जाने के बाद हम जितना ऊपर तक धो सकते हैं, जितना हाथ तुम्हारा खुला है उतना ऊपर तक तुम धो लास्ट में, और उसके बाद पानी से अपने हाथ धो। ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से आप फॉलो कीजिए, आपके हाथ सुरक्षित रहेंगे, आपके हाथ से कोई भी बीमारियां नहीं फैलेंगी। अगर हम हर एक भारतीय ऐसा करेंगे, तो हम ये कोरोना वायरस को कुछ मात्रा तक हम रोक सकते हैं। तो आइए, ये कार्य में आप सभी हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।